नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आपके सामने असरवा रेलवे स्टेशन के आपके सामने हाजिर हूँ और आज के हम अपडेट देने वाले हैं असरवा रेलवे स्टेशन से देहगाम तक। जो मैंने सब लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं स्पेशल वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। अभी फ़िलहाल हम असरवा रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। इधर थोड़ी बहुत जो भी अमृत भारत योजना के तहत इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है उसकी अपडेट देने की कोशिश मैं करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा इसके जो भी काम चल रहा था उसके अपडेट देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आप मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। देखिए नीचे से ज़मीन के नीचे से ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। स्टेशन बनाने का जो भी उसका जो डायग्राम है उस हिसाब से टंकी पूरी काम कर लिया गया है। अब उसका फाइनलाइज काम चल रहा है। देखिए इधर सब आप सामने देख सकते हैं, ये जो स्टेशन बन रहा है उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। अब उसमें सीमेंट वगैरह का काम किया जा रहा है। ये कुछ ऐसा कामगिरी चल रहा है अभी, ये बिल्डिंग का काम चल रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारी जयपुर असरवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक नंबर के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो देखिए, ये हम लोग अंदर असरवा रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और मेरे सामने आप दोनों गाड़ियाँ खड़ी दिख रहे हैं, एक जयपुर असरवा और एक इंदौर असरवा। अंदर की तरफ बात करें तो अभी अंदर कोई भी कामगिरी नहीं चल रही है, अंदर कोई भी मूवमेंट कामगिरी नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं वही बाहर की साइड ही काम चल रहा है अभी, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वही काम चल रहा है अभी तो। हाँ दोस्तों, और एक बात बताना आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी असरवा से निकल रहे हैं देहगाम तक, तो शायद हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की वायरिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि दो दिन से वायरिंग की गाड़ी है वो देहगाम स्टेशन पे खड़ी थी, तो शायद वायरिंग के साथ तैयार थी गाड़ी, तो शायद आज का ब्लॉक लिया है कि नहीं लिया, पर देखते हैं। अगर लिया है तो वायरिंग ज़रूर हुई होगी, क्योंकि देहगाम से लेकर असरवा तक का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर दिया गया, वहाँ अर्थिंग का भी काम हो गया है दोस्तों, अर्थिंग भी लगा दिया गया है, तो शायद वायरिंग की तैयारी तो थी, शायद आज लिया है तो आपको ज़रूर उसमें देखने को मिलेगा। और भी कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखता है असरवा अपना रेलवे स्टेशन। देखिए तो हमारी गाड़ी 2:25 पर, तो चलते हैं गाड़ी में और फिर देहगाम तक चलते हैं, फिर देखते हैं अगर वायरिंग का काम हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, चुके हैं, देखते हैं हम आगे, आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देहगाम तक दिखाने वाले हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम असरवा रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वायरिंग के लिए गाड़ी को तैयार कर लिया गया है। ये असरवा तक का इलेक्ट्रिफिकेशन दिख रहा है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें क्रॉस मार्क और जो भी ब्रैकेट वगैरह लगाने हैं वो लगा के बिल्कुल रेडी तैयार कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी, देहगाम तक तो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लिया गया है। आप वीडियो में भी पूरा वीडियो देखिए, उस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम गति से हो रहा है। इस तरह मतलब इधर से ही पहला वायरिंग का काम चालू होगा देहगाम से लेकर असरवा तक का,
और बीच में डबोड़ा स्टेशन भी क्रॉसिंग स्टेशन है, वो भी पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी यात्री इस रूट पर यात्रा करते हैं वो कृपया अपना मोबाइल इस नरोड़ा स्टेशन से असारवा के बीच में हाथ में लेकर दरवाजे पे मत खड़े रहिए या मत बैठिए, क्योंकि एक ही मेरे सामने एक यात्री का मोबाइल किसी ने हाथ मार के मोबाइल गिरा के वो भाग गया है। दोस्तों ये मेरे सामने आप ये जो अंडरपास रोड देख रहे हैं ये रोड सीधा हम आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट पे ले जाएगा, और वहाँ से सीधा आप एयरपोर्ट पर अगर जाना चाहते हो तो नरोड़ा स्टेशन पे आप उतर सकते हो। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे नरोड़ा पे पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पोल खड़े करने का काम है वो कर लिया गया है, आप देख सकते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छा वर्क यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, बहुत ही तेज़ गति से काम चल रहा है। पर वायरिंग अभी मेरे को सामने को देखने को नहीं मिल रही है, अभी तक मेरे को वायरिंग का काम अभी भी वो जो क्रॉसमार्क वगैरह लगाने हैं वो अभी भी लगाए नहीं है। एक देखिए दोस्तों नरोड़ा में सामने पोल पड़े हैं अभी, जैसे जैसे देखते हैं इधर क्रॉस आर्म लगाने का। देखिए दोस्तों इधर पूरा काम कर लिया गया है, वायरिंग बिछाने का काम शुरू होने वाला है। दोस्तों ये सामने देख रहे हैं ये जानवरों के लिए बनाया जा रहा है जो कि क्रॉस करके ये सीधा रेलवे ट्रैक पे ना जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे नरोड़ा के बाहर से साइड के काम चालू कर दिया गया है, देखिए ये पूरा गड्ढा कर जा रहा है। देखिए ये पूरा के पूरा मेरे सामने देख पा रहे पूरा स्ट्रक्चर बना के रेडी रखेगा क्योंकि जानवर ट्रैक पर ना जाए। देखिए ये पूरा साफ सफाई, देखिए ये ट्रैक्टर सामान लेके खड़ा है, देखिए ये गड्ढे काम किया जा रहा है। देखिए ये देख सकते हैं मतलब पूरा जब तक ये वहाँ तक ये लगाया जाएगा। देखिए दोस्तों इधर हम आप पोल देख सकते हैं, पोल के ऊपर बिल्कुल लगा दिया गया है क्रॉस मार्क, आप देखिए। देखिए दोस्तों आप एंजॉय करिए। देखिए दोस्तों हम डबोड़ा पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तक तो बिल्कुल काम रेडी है, बस वायरिंग का ही कमी दिख रही है बस, बाकी अर्थिंग भी लगा दिया गया है। देखिए हम लोग डबोड़ा स्टेशन पे एंटर कर रहे हैं, देखिए पूरा के पूरा बिल्कुल रेडी तैयार है बिल्कुल वायरिंग के लिए। दोस्तों सामने शायद गाड़ी पड़ी है, कौन सी गाड़ी है देखते हैं, चलो शायद वायरिंग वाली गाड़ी ना हो, देखते हैं अभी क्या मिलता है हमें। जी हाँ दोस्तों ये वायरिंग वाली तो गाड़ी नहीं है, पर ये पोल खड़े करने वाली गाड़ी है। देखिए मतलब कि यहाँ पे पोल का जो भी लास्ट मोमेंट बचा था वही काम चल रहा है, तो मतलब कि आज वायरिंग नहीं हुआ दोस्तों, मैंने आपको अंदाज़ा में दिया था पर अभी तक वायरिंग नहीं हुआ, इसका मतलब यही है क्योंकि पोल ही का काम चल रहा है, वायरिंग का काम नहीं चल रहा है। तो वायरिंग की गाड़ी जो है वो हमें दहगाम स्टेशन पे देखने को ज़रूर मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम दहगाम नांदोल स्टेशन पहुँच चुके हैं, मेरे सामने आप देख रहे हैं यहाँ आउटर की साइड पोल तो खड़े कर दिए गए हैं पर जो बड़े पोल लगते हैं वो अभी तक नहीं लगाए गए दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे अभी बड़े पोल लगाने का काम अभी पेंडिंग है, बाकी में है कुछ तकनीकी कारणों से ये काम शायद बाकी रहा है, बाकी पता नहीं कौन सा कारण हो सकता है। चलिए दोस्तों हमारी मंजिल आज की यहीं तक थी, देखते हैं
नीचे उतर के आपको और भी कुछ देखने को अपडेट होगा तो मैं आपको बताता हूँ। नांदोल देहगाम पहुँच चुके हैं, आप मेरे सामने देख रहे हैं, अभी इधर पोल लगाने की कामगिरी शुरू नहीं की गई दोस्तों। इस स्टेशन पे टोटल 12 गाड़ियाँ हॉल्ट लेती है दोस्तों, और इधर ये अहमदाबाद डिवीज़न में आता है और इसको वेस्टर्न रेलवे कोऑपरेट करता है दोस्तों। ये टोटल 3 लुक लाइन और 1 मेन लाइन के साथ बनाया गया ये स्टेशन है। देखिए तो पोल इधर ला तो दिए हैं, अभी का लगाए नहीं, खड़े नहीं किए गए। देखिए दोस्तों ये अभी लाइट का भी काम होना है, लाइट के भी खंभे बाकी है कहीं कहीं जगह पे, वो लगाने हैं। गाड़ी का सिग्नल हो चुका है, अब वो गाड़ी इंदौर के लिए रवाना हो चुकी है। तो देखिए कि दोस्तों ये कटिंग करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको कटिंग करके रखा है, अभी देख पा रहे हैं, अभी इसको लगाने का काम अभी होगा। कटिंग कर लिए गए हैं पूरे के पूरे, वो अपने माप के हिसाब से कटिंग कर लिए हैं, क्योंकि छोटे बड़े सेटिंग करके ही ये लोग करते हैं। देखिए इंदौर के लिए रवाना हो चुके हैं दोस्तों, ये पूरे पोल ला दिए गए हैं इधर, और सामने वायरिंग के साथ गाड़ी खड़ी है। देखिए सर, मतलब वायरिंग का काम बहुत जल्दी ही होने वाला है देहगाम से लेकर नरोड़ा असारवा तक। देखिए गाड़ी में वायर भी रख दिए गए हैं, मतलब कि जल्दी ही होने वाला है ये काम। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों ये वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।